तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आपके फैमिली भी ठीक होंगे। तो मैं हमेशा चाहता हूँ जितने भी GSM भाई है हम लोग का लाइन में, तो सारे हमेशा खुश रहे, अच्छे रहे। यही मेरा आशीर्वाद है मन से, यही मैं दुआ करता हूँ सबके लिए। तो फ्रेंड, ये जो टूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो फ्रेंड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तब सबसे पहले मैं आपको टूल दिखा देता हूँ। ये टूल है, ये इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड आप लोगों को डेस्कटॉप पर ऐसे लोगो दिखेगा। तो सिंपली आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है फ्रेंड। तो देखिए, मैंने ओपन किया डबल क्लिक करके, ये टूल अभी ओपन हो रहा है। और फ्रेंड, ये टूल एक्चुअली ये फ्री नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए फ्री करवाता हूँ मैं। इसमें आपका सीरियल की सारे कुछ देने पड़ता है, तो मैं आप लोगों को सारे कुछ दिखाऊँगा स्टेप बाई स्टेप। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सिंपली इस पर आपको येस पे क्लिक कर देना है। और जो भी भाई नया देख रहे, प्लीज़ अभी से चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का कुछ नया चीज़, कुछ अच्छे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो फ्रेंड देखिए, ये टूल आपको ओपन होने के बाद सिंपली आपको ऐसा दिखने लगेगा। इसमें आपको लिखा है, सबसे पहले ये सैमसंग का ऊपर ही बनाया गया टूल, ये सैमसंग का डिवाइस पर काम करेगा, अदर डिवाइस पर काम नहीं करेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले इस पर आपको टेस्ट मोड लिखा हुआ है, MTP मोड लिखा हुआ है, उसके बाद ADP मोड लिखा हुआ है, फ्लैश मोड लिखा है। इस पर सारे स्टेप इस पर टेप बाई टेप दिया हुआ है। इसमें से आपको डाउनलोड मोड भी दिया हुआ है, उसके बाद आपको फ्लैश मोड भी दिया हुआ है। इसमें से आप फ्लैश भी कर सकोगे फ्रेंड। ये बहुत ही बढ़िया टूल है और 100% वर्क करता है। मैं आप लोगों के साथ ये जो फ़ोन देख रहे हो J2 का, इसका मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कुछ दिखा के। तो सबसे पहले देखिए टूल में क्या क्या सिस्टम है। इस पर आपको MTP मोड अप्लाई है, MTP मोड, एक टेस्ट मोड। तो सिंपली आपको जैसे भी कोई भी अगर फ़ोन इसमें काम करना, देखिए इस पर आपको दिखाई दे रहा है ऑपरेशन जो लिखा है इस पर आपको स्टार है, 0 स्टार है। इस आपको इंजीनियरिंग कोड है इसका। तो सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ, ये सैमसंग का J2 का फ़ोन है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका। ये मैंने कनेक्ट किया USB। तो फ्रेंड, मैंने जैसे USB कनेक्ट किया, इसमें पोर्ट ले लिया डिवाइस। तो सिंपली मैं आप इस पर देख रहा हूँ J2 का है। तो सिंपली मैं एक बार आपको रीट इन्फो डिवाइस करके दिखाता हूँ, ये काम करता है कि नहीं करता है। तो फ्रेंड देखिए, इसने सारे मॉडल, उसके बाद इसका जो भी है नाम वगैरह सारे कुछ इन्होंने रीड कर लिया। और इसमें से अगर आपको FRP तोड़ना है तो सिंपली आपको मोबाइल पर आपको एक कोड डालना होगा, MRSC कॉल में जाकर आपको *#0*#0# आपको डालना होगा फ्रेंड, उसके बाद आपको मोबाइल काम करेगा। तो सिंपली मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आप इसमें कैसे कैसे काम कर पाओगी फ्रेंड। तो सिंपली देखिए, जैसे कि मैंने MTP मोड पे गया, इस पर आपको ऑप्शन और मिलेगा फ्रेंड। इसमें देखिए, इसमें आपको सिंपली फ़ोन को ऐसे मोड है आपका, वो डाउनलोड मोड पे लेना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है फ्रेंड, ये फ़ोन खुद ब खुद डाउनलोड मोड में चला जाएगा। देखिए, ये फ़ोन डाउनलोड मोड में चला गया। तो अभी मेरे पास यही फ़ोन है, तो इस पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है। देखिए, ये डाउनलोड मोड पे चला गया। तो अभी डाउनलोड मोड पे चला गया। अभी आपको किसी भी फ़ोन का अगर FRP तोड़ना है तो सिंपली आपको डाउनलोड मोड पे जाइए। जाने के बाद इस पर आपको FRP देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसमें FRP लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्लिक किया डाउनलोड मोड में FRP, देखिए सक्सेस हो गया फ्रेंड। ये फ़ोन का जो FRP था वो रिमूव हो चुका है। तो इसमें आपको बहुत सारे फ्यूचर दिया गया है फ्रेंड। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, सिंपली आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये टूल कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारे कुछ मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपका टूल का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल ही जाएगा, चिंता मत कीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन के नीचे अगर नहीं मिलता है टूल का लिंक, तो उसमें आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, उस पर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड सिंपली मैं क्लोज कर देता हूँ। तो सिंपली फ्रेंड, आपको जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगी तो सिंपली आपको इससे फाइल दिखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको मैं दिखाता हूँ,
ऐसे फाइल मिल जाएगा। तो फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है फ्रेंड। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है, स्टेप बाय स्टेप दिखेगा, नहीं तो आप ऐसे इस टूल को यूज़ कर नहीं पाओगे। तो सिंपली आपको ऐसे दिखाएगा, तो इसमें जो दिख रहा है आपको, इसको आपको ओपन कर लेना फ्रेंड। सिंपली इसे ओपन कर लीजिएगा। इस पर जो पासवर्ड मांगे फ्रेंड, इसमें देखिए पासवर्ड का फाइल भी है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको आपको पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इस पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आपको ओके पर क्लिक कर देना है फ्रेंड। जैसे ओके पर क्लिक करिएगा, ए ऐसा आएगा, आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। देखिए मेरा पीसी पे ऑलरेडी है, फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको करके एक बार। मैं क्लिक किया, ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये जो दिखाई देगा और एक इसको भी आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है फ्रेंड। इसको भी एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। इसको भी एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये वाला एक्टिवेशन वाला फोल्डर ओपन कर लेना। ओपन कर इसके बाद डबल क्लिक कर एक्टिवेशन एक्टिवेटर जो इस पर लिखा हुआ है, तो सिंपली आपको फ्रेंड जैसे आप ओपन करोगी, आपको इस पर एक्टिवेटर पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगी, आपका जो टूल है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए एक्टिवेट हो गया फ्रेंड। तो आप सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको टूल आपका डेस्कटॉप पर आ जाएगा लोगो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखें, ये सारे प्रोसेस करने से पहले, इसको इंस्टॉल करने से पहले, आपको जो पीसी पे अगर आपके एंटीवायरस होगा जो भी, उसको आपको एक बार डिसेबल करके रखना। देखिए मेरा जो क्विक किल का यूज़ करता हूँ, मैं इसको डिसेबल करके रखा है। तो फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको आपका एंटीवायरस को डिसेबल करना है फ्रेंड। डिसेबल करने के बाद आपको ये सारे प्रोसेस करना है, तो इंस्टॉल वगैरह करना है। तो सारे होने के बाद आपको सिंपली टूल को ओपन कर लेना है फ्रेंड। देखिए हम लोग का टूल अभी ये चेक करेगा लाइसेंस, उसके बाद आपको सिंपली ये ओपन हो जाएगा फ्रेंड। तो बहुत ही बढ़िया टूल है, आप लोग यूज़ कीजिए, कैसे लगता है प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा। तो देखिए टूल अभी ये ओपन हो जाएगा, ये इस पर क्लिक करना है फ्रेंड। तो देखिए हम लोग का टूल जो है वो ओपन हो गया है। बहुत ही बढ़िया टूल है, आप लोग ट्राई कीजिए। और मैं आगे कोई भी अगर मेरे पास सैमसंग का कोई सेट आए, मैं आप लोगों को इस टूल से करके वीडियो बना के दे दूँगा। तो ठीक है, थैंक यू for watching.